हेलो दोस्तों, सीएम बाड़मेर चलन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 4420T अवतार मॉडल, जो कि हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, उसकी रिलेटिव हम वीडियो बना रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना दोस्तों न भूलें। तो हम ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं अपनी गाड़ी के पास, देखते हैं कि हमारी गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है और क्या नहीं है, जो कि छोटी छोटी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे आज वीडियो के थ्रू, जो कि अपने ड्राइवर भाइयों को थोड़ी आसानी हो जाएगी। नहीं, रास्ते में कहीं फंस जाते हैं तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती तो प्रॉब्लम हो जाती है। चलो हम चलते हैं, चलो हम गाड़ी अभी स्टार्ट कर रहे हैं। चाबी ऑन कर दिया हमने, हमारा मीटर ऊपर उठ गया है। अभी हम गाड़ी करेंगे स्टार्ट, लेकिन स्टार्ट गाड़ी हमारी हो नहीं रही, फिर भी चेक कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रही है। आपको ही दिखा देते हैं कि हमारी गाड़ी चाबी पूरी हमने घुमा दिया है लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही। पूरी चाबी घुमाने के बाद भी हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, लेकिन कुछ करना पड़ेगा तभी गाड़ी हमारी स्टार्ट होगी। जो जो उठ गया है, क्या उड़ गया है, देखना पड़ेगा। तो हम चलते हैं सीधा अपने फ्यूज़ बॉक्स के पास। हम फ्यूज़ बॉक्स के पास आ गए हैं और हमें ऊपर वाली लाइन में 30 नंबर फ्यूज होगा, यहाँ 15 नंबर फ्यूज डाला हुआ है। इसको हम बाहर निकाला, चेक किया तो हमारा फ्यूज उड़ा हुआ निकल गया। फ्यूज उड़ा हुआ है मतलब यही प्रॉब्लम है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी जगह क्या होता है कि फ्यूज कभी नहीं उड़ा हुआ है तो करंट हमारा बंद हो गया है, तो हमें करंट चेक करना होता है। करंट कैसे चेक करना है वो भी हम बताएंगे आपको, कि हम एक नीचे दे देंगे अर्थ ग्राउंड दे देंगे, ऊपर हमारा करंट मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। देखो ये हमारा नीचे ग्राउंड, ये हमारा है टेस्टिंग बल्ब, ये हमने ग्राउंड दे दिया है, ये हमने करंट दे दिया है, नीचे में नहीं आ रहा है, ये मैंने ऊपर में घुमा के दे दिया है। ऊपर में घुमा के देने से हमारा बल्ब जल रहा है, मतलब हमारा फ्यूज की वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, बाकी कोई इस गाड़ी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम फटाफट से दूसरा 30 नंबर फ्यूज डालेंगे, तो हम ये 15 नंबर फ्यूज बाहर निकालेंगे। ये 30 नंबर फ्यूज है, उड़ा हुआ है पूरा। हम दूसरा 30 नंबर फ्यूज लेंगे और हम डाल देंगे। ये 30 नंबर फ्यूज है हमारा, जो कि एकदम सही है। ये हम 30 नंबर फ्यूज लगा लेंगे इसमें, और हम करेंगे सीधा गाड़ी को स्टार्ट। चाबी ऑन कर दिया है, मीटर ऊपर नीचे हो रही है, गाड़ी स्टार्ट किया, स्टार्ट हो रही है, गाड़ी स्टार्ट हो रही है। 5000 RPM है हमारे, हम गाड़ी को कर लेंगे बंद और दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि हमारा मीटर, चाबी तो ऑन पूरा कर लिया हमने, लेकिन ऊपर मीटर में कोई लाइट वगैरह कुछ नहीं आ रहा है। देखो कुछ भी नहीं आ रहा है, हमारे इंडिकेटर हो रही है, पार्किंग हो रही है, बाकी कुछ भी नहीं हो रहा। पूरी चाबी घुमा रहे हैं तो भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, और ये पूरी घुमा रहे हैं तो भी नहीं आ रहा है। हम सीधा चलेंगे अपने फ्यूज बॉक्स के पास, तो हम दूसरी लाइन में 20 नंबर फ्यूज निकाल लेंगे। इसको देखेंगे कि क्या है इसके अंदर। ये हमारा 20 नंबर फ्यूज उड़ा हुआ है, इसकी वजह से हमारे मीटर में करंट नहीं आ रहा है। तो हम सीधा दूसरा फ्यूज नया डालेंगे, ये एकदम सही फ्यूज है जो 20 नंबर हमने डाल दिया है। 20 की जगह ये 20 नंबर हमने फ्यूज डाल दिया है और गाड़ी स्टार्ट कर लेंगे। स्टार्ट किया, स्टार्ट हो रही है, मतलब ये मीटर में करंट आ गया तो गाड़ी तो स्टार्ट होगी, कोई टेंशन नहीं।
अब भी हम करेंगे आगे तीसरी प्रॉब्लम को सॉल्व। हमारी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है 5 पे आरपीएम है। आगे हम करेंगे तीसरी प्रॉब्लम को सॉल्व। तीसरी प्रॉब्लम ये है कि इस गाड़ी के अंदर यूरिया हमारा नहीं बता रही है। चाबी ऑन किया हमने, हमारे यूरिया नहीं बता रही है। उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। ये देखो यूरिया हमारा 0% बता रही है और ये हेल्पलाइन नंबर भी आ रही है और ऊपर पेट्रोल पंप की नॉक्स की बत्ती भी आ रही है, तो हम इसको भी सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्या होता है। इसके अंदर हम चेक कर लेंगे कि कोई हमारा, जैसे कि यहाँ पे बताती है कोड वगैरह कुछ भी नहीं है, लाइट आ रही है लेकिन। तो हम चलते हैं सीधा अपने फ्यूज़ बॉक्स के पास। यहाँ से हम 20 नंबर फ्यूज़ निकालेंगे। ये हमने 20 नंबर फ्यूज़ निकाल लिया है, ये भी हमारा उड़ा हुआ है। इसको हम चेंज कर लेंगे, दूसरा फ्यूज़ डाल देंगे, यहाँ पे दूसरा फ्यूज़ डाल देंगे। ये हमने डाल दिया दूसरा फ्यूज और हमारी गाड़ी स्टार्ट करके देखते हैं कि हमारी गाड़ी स्टार्ट हो रही है नहीं हो रही है, हमारा यूरिया बता रही है या नहीं बता रही है। चलिए हम चेक करते हैं। चेक कर लिया हमने, हमारा यूरिया बता